अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कीटोजेनिक डाइट के बारे में। बेसिकली इसको डाइट कहना मुनासिब नहीं है, ये कीटोजेनिक डाइट नहीं है, ये कीटोजेनिक लाइफस्टाइल है। इसको हमारा चूँकि आज का टॉपिक है हाउ कैन स्टार्ट कीटो, इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है। लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल यही पेश आती है कि डाइट को स्टार्ट कैसे किया जाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी चीज़ की पेश आती है कि पहले 10 दिन कैसे गुजारे जाएं, अगले 10 दिन कैसे गुजारे जाएं, अगले 10 दिन कैसे, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ होता है वो आपको कीटो अडॉप्टेड होने में लग जाता है पूरा। इसका तरीका ये है स्टार्ट करने का कि सबसे पहले आपने अपने कार्बोहाइड्रेट मेजर करने हैं, आपने अपनी प्रोटीन मेजर करनी है और आपने अपने फैट्स मेजर करने हैं। थोड़ा सा इस डाइट के बारे में नो हाउ दे दूं। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि ये डाइट क्या है। इसमें होता ये है कि आपकी जो फैट की परसेंटेज है ना, वो सबसे ज़्यादा आपने रखनी होती है, यानी 70-80% आपने फैट रखने हैं, 20-25% आपने प्रोटीन रखनी है और 5% के करीब आपने कार्बोहाइड्रेट रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट को आपने ले आना है तकरीबन 5-20 ग्राम के दरमियान आपने रखने हैं। वैसे लोग कहते हैं कि 20 ग्राम तक रख लिए जाएं तो सही है, कुछ लोग 50 ग्राम तक भी रख लेते हैं जब वो कीटो अडॉप्टेड हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसा करें, आप इसको 20 ग्राम तक रख लें, लेस देन 20 ग्राम आप कार्ब रखें, क्योंकि जैसे ही आपको कार्ब इंटेक होगा ज़्यादा तो आप कीटोसिस से बाहर आ जाएंगे और ये डाइट अपना वर्क करना छोड़ देगी। इस डाइट का मेन बेनिफिट यह है कि ये सोते हुए में भी वेट रिड्यूस करती है, और ये डाइट ना सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए है बल्कि ये डाइट आपको और भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट देती है जो कि वेट रिड्यूस करने के अलावा भी हैं। मतलब इसका एक मेजर बेनिफिट है कि आपकी स्किन टोन अच्छी करती है, ठीक है, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली गर्ल्स को, उनकी स्किन में वैसी शाइनिंग आ जाती है। जब आप गुड फैट लेते हैं तो उसका पहला इम्पैक्ट ही आपकी स्किन पे पड़ता है, जो आपकी स्किन में चमक वो चीज़ें सारी ले आती है जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट वाले बॉडी में वो चीज़ें नहीं होती। मैंने चूंकि ये डाइट स्टार्ट की थी वेट रिड्यूस करने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा वेट रिडक्शन के लिए। वैसे तो ये डाइट ऐसी है कि जितनी मर्ज़ी चीज़ों पर फोकस कर लिया जाए उसका ही एक चैप्टर पूरा कम्प्लीट हो जाता है, वही बन जाता है। इस डाइट में आपने सबसे पहले जो भी चीज़ यूज़ करनी है उसको आपने मेजर करना है कि आप जो चीज़ ले रहे हैं उसमें फ़ैट की रेशो क्या है, उसमें प्रोटीन की रेशो क्या है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की रेशो क्या है। कार्ब आपने हमेशा लो रखने हैं, कार्ब को आपने हाई नहीं होने देना। अगर कार्ब हाई हो जाएंगे तो इस डाइट समझें आप डाइट से बाहर हो जाएंगे। प्रोटीन चूँकि मॉडरेशन में है उसको आपने मॉडरेशन में ही लेना है। अगर समटाइम ये होता है, लोग सोचते हैं कि यार प्रोटीन ठीक है, प्रोटीन तो हमें बाहर नहीं करेगी कीटोसिस से, लेकिन जब आप प्रोटीन भी एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा लेंगे और आपकी वो रेशियो से अबव हो जाएगी तो तब भी आप कीटोसिस से बाहर आ सकते हैं। इसलिए फ़ैट आप ले सकते हैं एज मच एज कैन अकॉर्डिंग टू योर मैक्रोस। फर्स्टली यू काउंट योर मैक्रोस। ये सबके लिए लोग अब मुझसे लोग सवाल करते हैं कि डाइट प्लान बना दें, ठीक है, और एक ही डाइट प्लान सबके लिए चलाएं, तो एक डाइट प्लान कभी भी सबके लिए नहीं चल सकता क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है और चीज़ों का उनकी बॉडी पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। किसी को वो चीज़ सूट करती है, किसी को वो चीज़ सूट नहीं करती, किसी के लिए कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, किसी के लिए कम चाहिए। अब एक बंदे ने वेट कम करना है, वो 150 kg है, उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। एक बंदा है उसने 70 kg से स्टार्ट करना है, उसको वो चीज़ कम चाहिए। इसलिए ये मतलब डिफरेंट वर्क करती है, हर एक की बॉडी पे सेम वर्क नहीं करती। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक है आज का कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, जो सबसे मुश्किल मतलब मरहला होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है। इसके दो तरीके हैं, एक ये है कि आप फास्टिंग से कर लें, एक ये है कि आप नॉर्मल कीटोसिस में जाने के लिए डाइट स्टार्ट करें कीटो डाइट और आप कीटो में चले जाएंगे। जो फास्टिंग का तरीका है मुझे कदरे बेहतर लगता है, उससे ये होता है कि आपके जो लीवर के अंदर जो भी स्टॉक होते हैं कार्बोहाइड्रेट पुराने, क्योंकि आपकी बॉडी का फ्यूल मैकेनिज़म जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे पहले उसको आपने फैट में कन्वर्ट करना होता है, तो जो पहले स्टार्ट आपके मौजूद पड़े होते हैं उनको बॉडी कंज्यूम करती है। जब बॉडी उनको कंज्यूम कर लेती है पूरी तरह
तो फिर बॉडी आपके फैट को एज अ फ्यूल कंज्यूम करना शुरू करती है. जब वो एज अ फ्यूल आपके कार्बोहाइड्रेट फैट को कंज्यूम करना शुरू करती है तो वो कीटोन्स पैदा करती है, और ये कीटोन्स जो हैं बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, हेल्दी होते हैं, और ये कीटोन्स वेट रिड्यूस करते हैं. आपने करना ये है कि जो आप ओल्ड लाइफस्टाइल से अपनी चीज़ें मतलब यूज़ करते रहें, खाते रहें, उसको बॉडी से आपने फिनिश करना है टोटल चीज़ों को. जब आप बॉडी से वो फिनिश करेंगे तो फिर उसके बाद फैट काउंट कर, फैट आपको सेकंड में जो है आपका बनेगा सोर्स, और वो फिर फर्स्ट सोर्स बन जाएगा जो फैट होगा, और उससे आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी और आप कीटोसिस में चले जाएंगे. मुझे ज़ाती तौर पे जो तरीका अच्छा लगता है वो फास्टिंग का है. आप मतलब रात को 6 बजे खाना पीना बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, कोई चीज़ भी ना खाएं, जस्ट पानी पी सकते हैं आप और बाकी सब चीज़ें बंद कर दें. अगले दिन भी आपने कुछ नहीं खाना, जस्ट पानी पीना है, और उससे अगले दिन आपने रात के वक्त जाके कोई हैवी फैट मील लेना है, जिसमें कोशिश करनी है कि अगर कोकोनट ऑयल हो तो वो सबसे बेहतर है कि कोकोनट ऑयल वाला हो. उसमें एमसीटी ऑयल शामिल होता है, जिसकी वजह से आप एमसीटी ऑयल चूँकि जल्दी कंज्यूम हो जाता है बॉडी में, तो आप जल्दी कीटोसिस में चले जाएंगे. अगर मतलब नहीं भी लेंगे, आप देसी घी खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, तो आप उस सूरत में भी कीटोसिस में जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप चले जाएंगे. और कुछ लोग ये करते हैं कि पहले दिन फास्टिंग करते हैं और अगले दिन फिर वो सुबह हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि जो भी स्टोरी जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की वो मतलब कंज्यूम हो जाए और आप कीटोसिस में एंटर हो जाए. वो भी एक तरीका किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका बेहतर है जो मैं बता रहा हूँ. आप अभी स्टार्ट में एक्सरसाइज ना करें, आपकी बॉडी उसकी एक्सरसाइज को अडॉप्ट नहीं करेगी, तो मुश्किल होगी, आप थक जाएंगे. इसलिए आप पहले कीटोसिस में जाने की ट्राई करें, 3-4 दिन अपने इसमें एंटर होने के लिए दें. इसके लिए होगा ये कि जब आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी बॉडी में नमकियात की कमी हो जाएगी. नमकियात की कमी से आपकी आपको कमज़ोरी फील होगी, आपको चक्कर आएंगे, ठीक है, आप में मतलब एक नकाहत सी फील होगी चलने फिरने की वजह से. तो उसको दूर करने के लिए हम इसमें एक चीज़ यूज़ करते हैं, सॉल्ट वाला पानी, जिसको नमकियात वाला पानी इन द मीन वाइल कह लें, ठीक है. बेसिकली हमारी बॉडी के जो नमकियात होते हैं उसमें मैग्नीशियम है, पोटाशियम है और सोडियम है, सादा नमक, जिसमें कीटोसिस डाइट में आपको जो प्रमोट किया जाता है वो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, जो हमारे पाकिस्तान का लोकल नमक है, और इसमें और भी बहुत मिनरल्स होते हैं. ये बीपी को भी नहीं टच करता, मतलब हाई नहीं करता, नुकसान दे नहीं. तो उसको आपने कंज्यूम करना है, उसको आपने एक पानी बना लेना नमकियात वाला, और उस पानी को आपने पीना है. आप 1.5 लीटर की बोतल ले लें और उसमें आप ये तीनों नमक मिक्स कर लें. मैग्नीशियम का अमूमन नमक मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, उसके लिए आप कोई भी मैग्नीशियम की टैबलेट ले सकते हैं. स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, ये डाइट मतलब इस पे नहीं चलेगी कि प्रॉपर लोग समझते हैं कि ये डाइट चलेगी ही, मेडिसन है. इन लोगों को लोग मल्टीविटामिन नहीं समझते, इसको मेडिसन समझते हैं, तो ये मेडिसन नहीं है, ये मिनरल्स हैं, ठीक है. ये स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी. नमक तो ऐसा मिनरल है जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो तो आपकी डाइट का हिस्सा है, बल्कि पूरी दुनिया की पाकिस्तानियों के अलावा भी डाइट का हिस्सा. तो मैग्नीशियम ऐसी चीज़ है जिसकी स्टार्टिंग में आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी. ये GNC की टैबलेट है, इसका नाम है सुपर मैग्नीशियम, ठीक है. इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है 400 mg डेली. तो जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो बॉडी से नमकियात रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है. इसकी कमी से एक लेग क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स आपके हो जाते हैं. तो इसलिए ये आपको लाजमी चाहिए स्टार्टिंग में. बाद में तो हम वेजिटेबल से इसको पूरा कर लेंगे, वेजिटेबल लेके. स्टार्टिंग में भी आप वेजिटेबल ले सकते हैं, लेकिन कीटो में एंटर होना लेट हो जाएगा. ये मैं आपको कीटोसिस में एंटर होने का सबसे ईजी वे बता रहा हूँ. इसको आप ले सकते हैं 1 टैबलेट डेली, ठीक है. ये ड्यूरिंग फास्टिंग आपने लेनी है, इसका नागा नहीं करना, चाहे 1 दिन पहले स्टार्ट कर लें. उसके अलावा मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है आपको 9 साल्ट, ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा. इसके एक जो है टीस्पून, उसमें राउंड अबाउट 640 mg के करीब ना इसमें होता है पोटाशियम, और आपकी बॉडी को रिक्वायर है 4700 mg पोटाशियम. इसमें ये प्योर फॉर्म है पोटाशियम की जो होती है. वैसे अगर इसको टोटल को काउंट करें तो इसमें पोटाशियम क्लोराइड होता है, मतलब
जैसे सोडियम क्लोराइड होता है आम नमक, और इसी तरह इसमें पोटाशियम क्लोराइड होता है। इसकी बॉडी को ज़रूरत है 4700 mg, यानी अगर आप इसके 3 चम्मच लेते हैं, 3 से 4 टीस्पून, तो आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। कई जगह ऐसा होता है कि ये पोटाशियम वाला नमक नहीं मिल पाता, तो वहाँ ये मुख्तलिफ नाम से दस्तयाब है, राइट सॉल्ट के नाम से है, लो सॉल्ट के नाम से है। आप इसका अल्टरनेटिव वो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही नमक आप यूज़ कर रहे हैं। अमूमन के उनको दिया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो। इसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो आपका आम हिमालयन पिंक सॉल्ट है, जो हर घर में अवेलेबल होता है। अब तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग वही नमक यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपने लेना है 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम का मतलब ये है कि आपने वो नमक लेना 15 ग्राम। 7.5 ग्राम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की। तो 15 ग्राम जब आप लेंगे, उसमें से आधा क्लोराइड होता है, आधा सोडियम होता है, तो आपकी सोडियम की जो रिक्वायरमेंट है वो 7.5 ग्राम है डेली। और इसी तरह पोटाशियम काउंट होता है। मैग्नीशियम प्योर फॉर्म होती है, क्योंकि टैबलेट की सूरत में आती है, तो प्योर फॉर्म ले सकते हैं। ये डाइट जो है स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी, बाद में हफ्ते बाद आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो कोशिश करनी है वेजिटेबल से पूरी कर लें। वेजिटेबल में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत पोटाशियम होती है, बहुत मैग्नीशियम होती है, तो आप अगर उसके 7 कप्स लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी। ये अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग में ये नहीं लेंगे तो आप कीटोसिस, कीटो फ्लू में जा सकते हैं, उसमें मतलब नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, चक्कर, बुरी हालत ऐसे हो। एक और चीज़ जो आपकी कीटोन्स प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है एप्पल साइडर विनीगर। ये ब्राक कंपनी का आप ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये मैं बोतल ब्राक कंपनी की यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर जो ये सिरका है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। इस पर भी मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये घर पे कैसे तैयार होता है। बोतल मैंने उनकी यूज़ की है और ये मैंने होममेड बनाया। इसके अलावा जो सिक्के सिंथेटिक आ रहे हैं वो आप लेंगे तो वो मतलब फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए। ऑयल आप ले सकते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल बेहतर है। सबसे बेहतर तो MCT ऑयल माना जाता है, लेकिन चूँकि ये कॉस्टली है तो हर बंदा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये 1 लीटर वाली बोतल मुझे 5900 की मिली है पाकिस्तान से। अगर बाहर से मंगवा लेंगे तो ये बोतल आपको सस्ती मिल जाएगी। आप जो ऑयल यूज़ कर सकते हैं उसमें कोकोनट ऑयल है, ऑर्गेनिक यूज़ करें, देसी घी यूज़ करें, बीफ टैलो यूज़ करें, तो आप मतलब आपके लिए वो ऑयल इनफ है, फैट का वो सोर्स इनफ है। स्टार्टिंग में आपको तीसरे दिन जब ये आप फास्टिंग को ब्रेक करेंगे अपनी को, जिसमें आप पानी लगातार पियेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त तो वो हैवी फैट मील है। आपने ऐसा मील लेना है जिसमें फ़ैट की रेशियो 80% हो और 25% प्रोटीन की रेशियो हो और 5% कार्बोहाइड्रेट की रेशियो। इन पाकिस्तानी सेंस में आपको बताता हूँ, आप मतलब लेंगे तो इसमें ऐसा करें, एक चिकन का छोटा सा टुकड़ा लेग का, खाली लेग की कैंडी, ना के पूरा मुकम्मल पीस, और उसके ऊपर आप 2-3 चम्मच मक्खन के डाल लें, देसी घी के डाल लें, जो आपको सूट करता है। साथ में आप थोड़ी सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले लें जो देसी घी में ही तैयार हुई हो। यह आपका प्रॉपर मील बन जाता है इन कीटोजेनिक डाइट। इस मील को आप चाहें तो सुबह, दोपहर, शाम चला सकते हैं, ठीक है, इसी मील को चला सकते हैं। कई लोग साथ लेते हैं इसके BPT बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, वो बनाने की भी रेसिपी YouTube पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, आप मतलब इसमें रतो बदल कर सकते हैं, किसी दिन आप बीफ ले लें, किसी दिन आप चिकन ले लें, जो मतलब आपको हो प्रोटीन पूरी करने के लिए। फैट में आप ये कर लें, किसी दिन आप इसमें देसी घी डाल लें, किसी दिन मक्खन डाल लें, किसी दिन कोकोनट ऑयल डाल लें, जो भी मतलब आपको इजी लगता है वो आप इसमें ऐड करते जाएं और आपका मतलब मील तैयार होता जाएगा। चौथी चीज़ इसमें ये थी कि कैलोरीज काउंट, कैलोरीज के कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, बहुत सी वेबसाइट पर पढ़ें, आप जस्ट लिखें मैक्रोज काउंट ऑन कीटो डाइट, आपके सामने आ जाएंगे। आप उसमें अपने मैक्रोज काउंट करें। होता यह है कि प्रोटीन जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है आपके वेट इन पाउंड से,
ठीक है, अब पर ग्राम आपको अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड चाहिए आपको, और अगर आप नहीं करते तो 0.7-0.6 के करीब आप प्रोटीन पर ग्राम ले लें, तो वो आप यूज़ करें। उससे यह था आपके मसल वेस्ट नहीं होते। प्रोटीन एक लाजमी जुज़ है जो इसलिए इस डाइट में शामिल किया जाता है कि आपके मसल की वेस्टेज ना हो, ठीक है, आपके मसल वहीं रहे, सिर्फ आपका फैट रिड्यूस हो, बाकी चीज़ें वहीं आपकी मतलब रहे, वो चीज़ें रिड्यूस ना हो। अच्छा, दूसरा मेरे से एक सवाल किया जाता है, ज़्यादातर जो मेरे से मतलब लोग पूछ रहे हैं वो हॉस्टल में रहने वाली गर्ल्स हैं, ठीक है, और बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स ज़्यादा हैं, वो कहते हैं कि हॉस्टल में डाइट क्योंकि हमसे मैनेज नहीं होती, हमारे लिए बड़ा मसला है, तो आप हमें बताएं कि हम हॉस्टल में रहते हुए इसको कैसे मैनेज करें। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक तो आप आ जाएं 1 मील अ डे पे, ठीक है, 1 मील कर लें पूरे दिन में, हैवी मील कर लें चाहे रात को कर लें, उसी मील में आप अपने 1000 से 1500 जितने कैलोरीज आपको रिक्वायर हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। आप ये करें, मार्केट से आते हुए आप एक बारबेक्यू का चिकन पीस ले आएं, और इस चीज़ को छोड़ दें उसमें जो भी ऑयल लगाया हो उसे, बारबेक्यू पीस में अमूमन कम ऑयल लगता है, वो ड्राई हो जाता है, जितना लगता है नॉर्मली ड्राई हो जाता है। अब आप हॉस्टल में हैं, चूंकि मुश्किल है, अदरवाइज़ मैं प्रमोट बाहर के खानों को बिल्कुल नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि घर बनाएं, जिस हाल में भी हैं खाना मतलब अपना खुद तैयार करना चाहिए। वो पीस ले आएँ, उसके लेग पीस को ला के उसके 2 हिस्से कर लें। एक हिस्से को आपने मतलब मक्खन के साथ ईजीली खाया जाएगा, मक्खन के साथ उसको चिकन को तोड़ना है और उसको खा लेना है आपने 3-4 चम्मच मक्खन के साथ, तो ये सबसे इजी मील आपका तैयार हो जाएगा। सलाद के तौर पे आप साथ एक शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च ले लें और उसमें एक खीरा ले लें, ठीक है, उसको ऐड कर लें, तो आपका ये पूरा प्रॉपर मील तैयार हो जाएगा जो कि आपको कीटोजेनिक डाइट में चाहिए। और ये अगर हैवी मील करना चाह रहे हैं, 1 मील अ डे पे हैं तो पूरा पीस आप फिर यूज़ करेंगे, फिर आप हाफ़ पीस नहीं करेंगे। अगर 2 मील अ डे पे हैं तो फिर हाफ़ पीस यूज़ करेंगे, हाफ़ जो है आप दूसरे मील के लिए रख देंगे। और ये डिपेंड करता है मतलब आपने वेट कितना कम करना है, आपका इस वक्त वेट कितना है टोटल, उसको देख के मतलब ये चीज़ यूज़ होगी। उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो इस तरह करके चलाएं, और फिर जब हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद घर जाते हैं तो उस दौरान अपनी बीफ बोन ब्रोथ पी लें जो तैयार की हो, उस दौरान तैयार करें, वहाँ रख के वो अपनी रिक्वायरमेंट अपना कोटा पूरा कर लें विटामिन का, ताकि उनकी बॉडी में विटामिन्स की कमी ना हो, वो उनका कोटा पूरा रहे। और इसको समझने के लिए कि आपने जो भी चीज़ खानी है उसको गूगल कर लें, आजकल तो ईजीली मतलब गूगल पे लिखें आप उस चीज़ का नाम और सारा न्यूट्रिशन, तो आपके सामने आ जाएगा कि इसमें कितने परसेंट फैट है, कितने परसेंट प्रोटीन है। बस उसमें देखना है आपने कि कार्ब कम होने चाहिए। कार्ब भी आपने जो 20 ग्राम मैंने बताया कि नेट कार्ब है, कार्ब चूंकि होता है उस पर फाइबर और जो है ग्लूकोज का मिक्सचर होता है, तो आपने इसमें से फाइबर माइनस करना है, क्योंकि फाइबर आपको कुछ नहीं कहेगा। फाइबर आप चाहे इस बोल का जैसे छिलका है वो 2 चम्मच भी ले लें, वो प्योर फाइबर है, वो आपको नुकसान नहीं देता। आप जब अपने कार्बोहाइड्रेट में से फाइबर माइनस करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली सूरत हाल आएगी कि आपने कितने कार्बोहाइड्रेट ले चुके हैं, और आपने कोशिश करनी है कि कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम से कम रहें और वो वेजिटेबल की ही सूरत में रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, किसी और सोर्स भी ले सकते हैं, जैसे मीठा ले लें, कोक ले लें, कोई फ्रूट ले लें फुल मीठा, तो उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट काउंट नहीं होंगे, ये आपने वेजिटेबल में ऐड करने हैं अपने कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा जो चीज़ है वो है ये, आप जो डाइट बताई है ना आपको, ये आप 10 दिन करें, ये फर्स्ट 10 डेज़ का प्लान है 1500 कैलोरीज के साथ लेग पीस वाला, और इसमें मक्खन की देसी घी की रेशियो ज़्यादा रखनी है कि देसी घी ज़्यादा खाया जाए। अगर आप चिकन, मुझे ज़ाती तौर पे चिकन नहीं पसंद, मैं बीफ लवर हूँ और फ़ायदेमंद भी बीफ ज़्यादा है, चिकन जो ब्रॉयलर है इसका इतना फ़ायदा नहीं है, या तो आप ऑर्गेनिक देसी चिकन लें तो आपको बेनिफिट है। अगर आप वो नहीं लेते तो आप बीफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में बीफ की भी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो बीफ भी मैनेज हो जाएगा, तो बीफ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपको चूंकि न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, आपका बी कम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा विटामिन, तो उसके बेनिफिट आपको ज़्यादा होंगे, ठीक है। और आपको इस डाइट के दौरान जो स्टार्टिंग में चक्कर वगैरह आते हैं, बीपी लो होता है, वॉमिटिंग फील होती है, वो सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी,
और वो चीज़ें नहीं होंगी बीफ लेने से। और हफ्ते में, पहले हफ्ते में ही एक दिन कलेजी का ऐड लाजमी कीजिएगा, बीफ की कलेजी का। उससे ये होगा कि आपको बी कम्प्लेक्स की ऑलमोस्ट पूरी रेंज मिल जाएगी, और जो विटामिन की आपको ज़रूरत होगी वो बीफ लीवर में आपको मिल जाएगा, और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जो मेरे से सवाल किया गया कि अगर अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइट कर रहे हैं और वो नमकियात नहीं ले रहे, फिर वो जाते हैं ड्रिप लगवाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको लगता है कि मतलब इस डाइट की वजह से हुई है। तो जिन इलाकों में ये कोई भी साल्ट दस्तियाब नहीं है वो शुगर फ्री ORS ले लें। ORS में भी पोटाशियम और सोडियम वगैरह होते हैं, तो इन एमरजेंसी केस बता रहा हूँ। अदरवाइज़ कोशिश करें कि ये नमक फाइंड आउट करने की कोशिश करें पोटाशियम का, तो ये लें। अगर नमक नहीं मिलता तो मार्केट में एक टैबलेट है न्यू के नाम से, NEO-K, वो भी पोटाशियम का सोर्स है। उसके मुताबिक मैयर कर लें, शायद उसमें 500 mg होती है, तो 500 mg को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 × 6, तकरीबन आप 6 से 8 टैबलेट वो लेनी पड़ेंगी अगर आप उसके थ्रू करना चाह रहे हैं ये सारा कुछ। तो बाकी एप्पल साइडर विनीगर का इस्तेमाल डेली करें, वो प्रोबायोटिक है, ठीक है, आपकी बॉडी को स्टार्टिंग में भी अच्छे बायोटिक की ज़रूरत होती है और बाद में भी अच्छे बायोटिक की ज़रूरत होती है, उसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। हाँ, उसके अलावा मैं एक और इस्तेमाल कर रहा हूँ, आयोडीन का सोर्स है कैल्प। ये कैल्प नेचुरल सोर्स से आया हुआ है, ठीक है, ये समुद्री घास होती है तो उसका ये पाउडर है, इसमें होती है आयोडीन 150 mg। आयोडीन का चूंकि हमारी अगर इसमें नॉर्मली डाइट में कोई और सोर्स नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन ये लेना पड़ा। अगर डाइट में होता तो जो है उसमें भी लिया जा सकता था। ये अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, कंपलसरी नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, बाद में आप देख लीजिएगा बॉडी में जिस चीज़ की आपको कमी लगे उसमें आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बीफ अगर आप डेली लेंगे तो आपका बी कम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा, आपको एडिशनली बी कम्प्लेक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बीफ नहीं लेते, आप चिकन लेते हैं, तो आपको एडिशनली बी कम्प्लेक्स की कोई अच्छा सा मल्टी वाइटामिन अपनी डाइट में ऐड कर लें। सोर्स देख लीजिएगा, फूड सोर्स हो, ठीक है, उसका ये ना हो कि वो सिंथेटिक हो तो वो फिर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। कोई भी अच्छा विटामिन देख लें। मैं GNC से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लोग डिस्काउंट देते हैं, कार्ड इनका मैंने बनवाया हुआ है 20%, और इम्पोर्टेड होती है, ज़रा थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है इंसान को। बाकी ये है कि मैं नेचुरल डाइट से चाहता हूँ लें आप लोग मल्टी विटामिन, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग ले सकते हैं, कोई भी एडिशनल ऐड कर सकते हैं, बाद में चूँकि आपकी डाइट प्लान हो जाएगी। ये फर्स्ट 10 to 20 days का बता रहा हूँ, फिर आप वेजिटेबल भी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा और कलेजी वगैरह ऐड कर लीजिएगा ज़्यादा थोड़ी सी मिकदार में, तो फिर आपका ये काउंट हो जाएगा सारा सेटअप, अपने कैलोरीज को मद्देनज़र रखते हुए एडिशनल ऐड चीज़ें हो जाती हैं। एक और चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि जी हम कब कोकोनट फ्लोर वाली रोटी खा सकते हैं, कब आलमंड फ्लोर वाली रोटीज खा सकते हैं, कब कुकीज़ खा सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए आपको पहले कीटो अडॉप्टेड होना पड़ेगा। जब तक आप कीटो अडॉप्टेड नहीं होंगे, आपकी बॉडी प्रॉपरली कीटो पे वर्क नहीं करेगी, तब तक आप वो चीज़ें नहीं खा सकते। उसके लिए कई लोगों को 1 माह लगता है, कई लोगों को 1.5 माह लगता है, कई लोगों को 2 माह भी लग जाते हैं, लेकिन 30 से 45 दिन नॉर्मली हैं वो हो जाए, तो उसके लिए आपको कीटो अडॉप्टेड होना पड़ेगा। उसके बाद आप इनकी रोटी वगैरह ये सारी चीज़ें खा सकेंगे। बहुत बेनिफिशियल चीज़ है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है, और फास्टिंग में करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदे मिलेंगे। सिरका भी फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको हदीस भी मिलती हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि बहुत से मज़ाहिब में, बहुत से मतलब डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये यूज़ करना चाहिए, इसके लिए हमारी मतलब हेल्थ के लिए इसके फ़ायदे ही हैं। तो दूसरी चीज़ यह है कि आप डाइट को स्टार्ट करें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में कर सकते हैं, ग्रुप है, पेज है, आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगी इससे रिलेटेड कीटो से, जितना मैं मतलब जानता हूँ, जितना मुझे इल्म है, क्योंकि मैं 11-12 साल से तकरीबन 11 साल से कीटो पे हूँ। बीच में चीटिंग भी हो जाती है, दरमियान में चीट कर लेता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ, लेकिन इसका भी एक नशा है, इसका मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस किया है, ठीक है, अब लोगों पे है कि वो किसको किस तरह प्रॉपरली करते हैं और कितना वेट रिड्यूस करते हैं। मैंने राउंड अबाउट 152 से स्टार्ट किया था और मैं 82 तक आया था,
और इससे वेट कम होता है, डेफिनेटली होता है, बॉडी को फ़ायदे भी बहुत होते हैं, फ्रेशनेस फील होती है, स्किन टोन बेहतर होती है। मुझे तो अपनी स्किन कीटो से पहले नहीं सही लगती थी, अब मेरी स्किन बहुत बेहतर हो गई है, कलर सही होता है, चमक आती है आप में। और उसके अलावा फिटनेस इशू जो है वो सॉल्व होते हैं, बॉडी में एनर्जी फील होती है। कीटोसिस पे जब तक आपकी बॉडी होती है उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होता है। बॉडी बिल्डर इसे मसल इन्हांस करने के लिए भी कीटोजेनिक डाइट को यूज़ करते हैं। बाकी ये टॉपिक इतना लंबा है कि इस पे तो अगर मैं एक हफ्ता भी बोलता रहूँ तो वो मतलब आप बोले जाएंगे, इस पे ख़त्म नहीं होगा। अब आप डाइट स्टार्ट करें और बाकी जो भी इशू हो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका प्रॉपरली आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।